पर माँ ने ही जन्म के 3 दिन बाद 1.25 लाख में बेची बच्ची, फिर खरीदने वाले ने 5 लाख में बेचा। यह वारदात नई दिल्ली की दर्शाई जाती है। एक माँ ने ही दिल्ली के अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के बाद 3 दिन के अंदर बेच दिया। दिल्ली आयोग को इसकी शिकायत मिलने के बाद बच्ची को तस्करी से बचा लिया गया है। बता दें कि 3 दिसंबर को एक व्यक्ति ने दिल्ली महिला आयोग को तस्करी मामले में शिकायत की थी। इसके बाद काउंसिल की एक टीम बनाई गई, जो बताए गए पते पर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने पर टीम शिकायतकर्ता से मिली, जिसने बताया कि यहां पड़ोस में एक महिला रहती है। उसने जब बच्ची को जन्म दिया था और उसने 3 दिन में अस्पताल में बच्ची को 5 लाख में भी बेच दिया था। बच्ची को घर तक नहीं ले आई, 1,25,000 रुपए में बेच दिया बच्ची को। इसके बाद इस बारे में स्थानीय पुलिस को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं गई। घटना के बारे में जानकारी मिलने पर आयोग की टीम बच्ची की मां से मिली। बच्ची की मां ने जब बच्ची को बेचने का कबूल किया, बच्ची की मां ने बताया कि उसने बच्ची को एक महिला को भेजी थी, जिसने उसके दोस्त से मिलवाया था। उसने बताया कि वह फर्टिलिटी क्लिनिक में काम करती है। उसने जब बच्ची को बेचने के 1,25,000 रुपए मिले थे। शराबी पति को पैसे की थी जरूरत। आयोग की टीम ने बच्चे की मां को लेकर उस महिला के पास गई, जिसको उसने बच्चे को भेजी थी। उसने बताया कि बच्ची को आगे एक व्यक्ति को 5 लाख में बेच दिया गया था, लेकिन वह महिला ने यह नहीं बताया था कि उसने किस व्यक्ति को बेचा था। मिली जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के एक आदमी को बेच दिया गया था। बच्ची के मां ने बताया कि उसका पति शराबी है और बेरोजगारी है, तो उसको पैसों की जरूरत थी, उसने बच्ची को बेच दिया। इसके अलावा अब तक दिल्ली पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। महिला आयोग ने बताया है इस घटना को शर्मसार। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।